खबर नोएडा से है, जहां पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने एसपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। सहित मंजूर के नेतृत्व में एसपी का प्रतिनिधि मंडल श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने पहुंचा था। मुलाकात करने के बाद एसपी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि श्रीकांत मामले की न्यायिक जांच की जाए, मौजूदा जजों की कमेटी से मामले की जांच की मांग की। नहीं, इतना ही नहीं, एसपी की डेलीगेशन ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने त्यागी परिवार पर अत्याचार किया है, जिसे विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। और इस मामले पर बात करते हैं, संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अधिक अपडेट है इस खबर पर? जी फिलहाल जिस तरह से महिला से बदसलूकी के मामले में श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस द्वारा जेल में भेजा गया था, उसके बाद से ही ये मामला पूरा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पश्चिमांचल के जो त्यागी समाज के कुछ संगठन है, उनके द्वारा महापंचायत भी की गई थी और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा, श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी थी और उसके परिजनों से मुलाकात की और उनसे बातचीत करते हुए जो सपा नेताओं ने कहा कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। हालांकि श्रीकांत त्यागी द्वारा जो बदसलूकी की गई थी उस मामले में सपा के नेताओं ने चुप्पी साध दी, लेकिन उनका कहना था कि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ नोएडा पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया, उन्हें परेशान किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जांच की मांग की गई, जो सपा का प्रतिनिधिमंडल आज नोएडा पहुंचा हुआ था। किस तरीके से इसमें इस मामले पर अब कार्रवाई हो रही है कि प्रतिनिधिमंडल आया, पहुंचा और उन्होंने जिस तरीके से उनकी पत्नी से जो बात की, अब किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी फिलहाल मैं बता दूं कि जैसे ही ये मामला आया था, इसमें पुलिस द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया था श्रीकांत त्यागी के खिलाफ, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी मौके से फरार हो गया था और पुलिस द्वारा उसके परिजनों और उसके जो जान पहचान वाले लोग थे उनसे पूछताछ की गई थी, उनको डिटेन किया गया था। उसके बाद जब श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद लगातार ही जो त्यागी समाज के कुछ संगठन थे उनके द्वारा महापंचायत की गई, अलग अलग जगहों से विरोध होने लगा कि जो श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, उनको परेशान किया गया, उसको लेकर एकजुटता जो दिखी उसको भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसी के चलते एक प्रतिनिधिमंडल आज भेजा गया, जो करीब एक महीना से ज़्यादा का पुराना मामला हो चुका है, इसको दोबारा से टूट देने की और एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। बिल्कुल, इस मामले में राजनीतिक लाभ लेने की कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। अधिक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। देवरिया जिले में धान की फसल की सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है, जिससे किसान काफी परेशान है और अब उन्हें फसल सूखने का डर सता रहा है। वहीं किसानों की इस बात की जानकारी के अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को दी गई। किसानों का कहना है कि राजकीय नलकूप बंद है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इससे खड़ी फसल अब सूखने की कगार पर है। इससे पहले भी प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाया है। डीएम साहब के आए हैं, आज पूरे जनपद में सूखा पड़ा हुआ है और जो किसानों का धान का फसल है वो खेत में ही सूख गया और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की और यहाँ की प्रशासनिक जो सिंचाई विभाग है और नलकूप विभाग है उसकी जाती है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी भयंकर सूखा पड़ा लेकिन आज तक न नहरों की सफाई हुई, न नहरों में पानी आया, न ट्यूबवेल संचालित हुए इसको चालू कराने के लिए, नहरों में पानी के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए। हम लोग डीएम साहब से गुहार लेकर आए हैं और ये कहने क्या है कि इस विभाग की जांच कराइए और जांच में जो भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया है उसकी जांच होनी चाहिए और ये अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अधिक अपडेट है इस खबर पे, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए संजय सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अधिक अपडेट है इस खबर पर, विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच की बात की जा रही है? जी आपको बता दें, जिस तरीके से देवरिया जिले में तकरीबन 57 नहरें हैं जो 416 किलोमीटर में फैली हुई हैं,
लेकिन पिछले एक महीने से लगातार बारिश न होने के चलते जबरदस्त सूखा पड़ा है। सूखा के चलते किसान में त्राही माम मचा हुआ है, लेकिन अधिकारी जो है वह कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। आज तक नहरों में पानी नहीं आया है, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। नलकूप जो राजकीय नलकूप है वह भी बंद पड़े हैं। उसी को लेकर आज किसानों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है, जांच की मांग की है, जिसमें जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन यह आश्वासन केवल आश्वासन के रूप में रहता है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, जिसके चलते आज किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। जी